वेलकम बैक पीपल, स्वागत है आपका हिंदुस्तान मिरर यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं लेटेस्ट खबर की तरफ। बात करें नागरिकता संशोधन बिल से नेपाल को क्या प्रभाव पड़ा है, तो बता दें कि नेपाल में दोहरी और फर्जी नागरिकता लेने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। कुछ माह पूर्व ही नवलपरासी में 400 लोगों की नेपाली नागरिकता रद्द हुई थी। इसके बाद नेपाल के गुप्तचर विभाग ऐसे लोगों का ब्यौरा जुटा रही है जिसके तहत अब तक 4000 लोगों को चित्रित किया गया है। संचार व सूचना विधिक मंत्रालय के प्रवक्ता गोकुल बास्कोटा के मुताबिक नेपाल और भारत सरकार ने आपसी सहयोग से गुप्तचर विभाग के अधिकारियों को ऐसे संदिग्ध लोगों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है जिन्होंने दोनों देशों की नागरिकता ली हो अथवा जिन्होंने फर्जी दस्तावेज के सहारे नागरिकता हासिल की हो। नेपाल के तराई जिलों में इसकी जाँच तेजी से कर दी गई है। इसके तहत नवलपरासी, नवलपुर, कपिल वस्तु व रूपनदेही जनपद में करीब 4000 लोगों को चित्रित कर सरकार को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। 1997 की नागरिकता टोली में मिली अनियमितता के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने नवलपरासी में नेपाली नागरिकता देने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 1 मई को नवलपरासी के 400 नेपाली नागरिकों की नागरिकता रद्द कर दी गई। इस बिल के पारित होने के बाद किसी भी व्यक्ति की छवि खराब करने का दोषी पाए जाने वाले संस्थान पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। प्रेस की स्वतंत्रता के नियंत्रित करने के लिहाज से प्रस्तावित मीडिया काउंसिल बिल को वापस लेने की मांग करते हुए 250 से ज्यादा नेपाली पत्रकारों ने शुक्रवार को संसद के बाहर प्रदर्शन किया था। इस बिल के तहत सरकार को मीडिया संस्थानों पर जुर्माना लगाने का अधिकार मिल जाएगा। नया बिल मौजूदा प्रेस काउंसिल एक्ट की जगह लेगा। इससे संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाने और काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें हटाने में सरकार की भूमिका बढ़ जाएगी। इस विषय में अगर कोई अपडेट आता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको न्यूज देता रहूंगा। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि लेटेस्ट न्यूज और उससे जुड़ी हाइलाइट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।